Yes, dear students, एक और जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेटिव क्वेश्चन ऑन टू द लॉज ऑफ मोशन एंड कमाल का. ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन को लिखा है आपके सामने दैट अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है ना, एक 1 kg का मास है एंड अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड द फोर्स इज 4IK + 4JK N. तो यू नो अबाउट ऑल द वैक्टर्स, आपको पूरा पता है. तो आपने कहा ठीक है सर, दिस इज अ फोर्स and everything is in SI system, it is in kg, it is in newton, and because of this force this mass of 1 kg get displaced from A to B. ये displace हो गया कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर B तक, ठीक है. and this is ये A जो है आपका, इसके coordinates 0 0 हैं और B के coordinates आपके पास हैं. this is going out to be as A to B और B के coordinates आपके हैं 1 1, है ना, मीटर्स में है. और यहां से क्लियर भी है कि मैं एक्स वाई प्लेन पे ट्रेवल कर रहा हूं. अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि मैं एक्स वाई प्लेन पे ट्रेवल करता हूं, कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है ये क्या हो गया, कहां से आया ये, है ना. लेकिन हाँ, जो आपने समझ, अरे सर ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है. मींस ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन नहीं है. That means it is only informed that I am dealing with x and y, and x and y hai kahan, xy plane pe hai na. So I am traveling on to the xy plane. Ab kai sare logon ko kai sari pareshaniyan hai. Sir A to B hum gaye hain, to we have means we moved on to the straight line or we moved on to a curved path. Socho na yaar, hai na, exam mein ja ke sochoge to phans jaoge, hai na. तो यदि आपने सोचा कि मैं A से B गया हूं और A के कोऑर्डिनेट्स से 0 0 मींस इट्स अ ओरिजिन और B के कोऑर्डिनेट्स से 1 1, तो A से लेकर B तक का पाथ जरूरी थोड़ी स्ट्रेट लाइन हो, इट कैन बी ए कर्व्ड पाथ. इज दैट क्लियर इन योर माइंड, बात समझने की है. तो मैं अभी जैसे लगा मुझे कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, तो दो काम हो सकते हैं कि कंफ्यूजन के बाद आप रुक सकते हो, दैट आई वोंट डू इट. या आपने कहा देखते हैं यार क्या होता है, पूछा क्या है ये तो पता करें. तो ठीक है, A to B डिस्प्लेस हो गया, फोर्स ने डिस्प्लेस किया, मास कितना है 1 kg, और A पॉइंट पर आपका स्पीड कितना था 2 m/s, और आपसे पूछा गया है दैट व्हाट विल बी द स्पीड एट पॉइंट B. या कई बार आपको कह देगा दैट इनिशियल स्पीड इज 2 m/s, फाइंड द फाइनल स्पीड. इनिशियल स्पीड 2 m/s है, आप फाइनल स्पीड को निकालिए, दैट्स द क्वेश्चन, सिंपल वन, है ना. आ गई आपको मेरी बात समझ में. अब पहले तो मैं पता करूं कि यार मेरे रिसोर्सेस क्या क्या है, मुझे आता क्या क्या है, ना. तो एक स्टूडेंट ने सीधा सीधा कहा कि सर मास तो 1 kg है, मास कांस्टेंट है, तो आपका ये जो फॉर्मूला था दैट वाज एफ इज इक्वल्स टू, कल ही मैंने सिखाया है, एक्सटर्नल फोर्स है ना आपका ये, और आपने कहा था कि हम अब एक्सटर्नल लिखेंगे नहीं, समझ गए, इट इज d/dt ऑफ पी वेक्टर. इसके अलावा तो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, और आपको पता है कि मास कांस्टेंट है, तो ये वेरी कर जाता था, किस फॉर्म में बदल जाता था, दैट एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, चेक कर लेना बेटा एक बार, है ना. तो आपने ये कह दिया कि सर मास कांस्टेंट है, इस वजह से F vector is equals to d/dt of P vector क्या हो गया? F vector is equals to mass into acceleration, है ना? ये चीज मैंने कल सिखाई थी आपको. अब यदि मैं कहूं कि F vector is equals to mass into acceleration है, तो आप ये तो कहने के लिए तैयार हो गए कि सर acceleration vector should be force by mass. देखते हैं ना, क्योंकि velocity है, पता तो करें. तो वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो फोर्स जो है वो बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फोर्स इज 4IK + 4JK एंड एवरीथिंग इज एन एसआई सिस्टम डिवाइडेड बाय मास इज 1 kg, है ना. ठीक है, आपको मेरी बात समझ आई. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, दिस इज दिस मच m/s². और यहां से आप अच्छी चीज पर जा सकते हो, सर मैंने यहां से चेक किया है दैट एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है. देखिए 4IK and 4JK T तो आई नहीं रहा, मींस आई एम डीलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सबसे पहले आपने ये कहा दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा.
और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब, अरे सर आंखों में चमक आ गई है, वी कैन अप्लाई न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब दोनों चीजें हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलग हैं, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अलग हैं। और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कब होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल तो आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते थे, पर मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, और वो मुझे कांस्टेंट मिल गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मुझे फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल गई तो स्पीड निकल जाएगी, ये याद रखना। तो मुझे ठीक है फाइनल स्पीड चाहिए या वेलोसिटी चाहिए, और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन मुझे पता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, यस वेरी गुड सर, ये आपका बी पॉइंट पे हमें इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो सर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सर, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, ठीक है। और बच्चे ने कहा सर वेलोसिटी नहीं, इनिशियल स्पीड है। ठीक है यार, ये लीजिए इनिशियल स्पीड है, और चाहिए क्या, फाइनल स्पीड, यही तो चाहिए, एग्रीड। तो यू आई नो, इनिशियल स्पीड मुझे मालूम है, एक्सेलरेशन मुझे मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है, और मुझे फाइनल स्पीड चाहिए। लगाओ दिमाग, तो बच्चे ने कहा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यही। लेकिन मैंने आपको वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस नहीं सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था दैट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आर, और मैं उन्हें रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, और ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दैट दीज आर वेरी नेसेसरी। मैंने आपको ये सिखाया था, ध्यान से देखिएगा, दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी, ये है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टी स्क्वायर, चेक कर लेना बेटा इसको एक बार, एंड दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एंड ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डू यू एग्री विद दैट, है ना। तो अब हम करेक्टली अप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और एस वेक्टर अभी निकाल देते ना। अब यदि आपको वेक्टर का अच्छा नॉलेज नहीं है, फंस जाएंगे यार बुरी तरह से, है ना, ठीक है। अच्छा, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कितना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर आएगा 1 इंटू आई के प्लस 1 इंटू जे के, और इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर आएगा 0 आई के प्लस 0 जे के, डू यू एग्री विद दैट। तो ये 1 आई के प्लस 1 जे के, ये फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, और ये इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, इज दैट क्लियर, ये एस वेक्टर आ गया, और डॉट प्रोडक्ट हमें आता है। तो ये तो एस वेक्टर है, और ए वेक्टर कितना था जल्दी से बोलिए, इट वाज 4 आई के प्लस 4 जे के, है ना, हो गया हमारा काम। और उसमें हम कहेंगे दैट डॉट प्रोडक्ट मींस फ्रेंड विद अ फ्रेंड, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो इसका कॉफिशियंट क्या है, 4 आई केप का यहाँ कितना है 1, तो 4 इंटू 1, यहाँ कॉफिशियंट कितना है जे केप का 4, यहाँ 1, 4 इंटू 1, के केप है ही नहीं हमारे पास में, तो इट इज 4 प्लस 4 इट इज 8, ठीक है। अप्लाई कीजिए, इनिशियल स्पीड इज 2, उसका स्क्वायर किया प्लस 2, ए डॉट एस कितना 8, इट इज 4 प्लस इट इज 16 इट इज 20 एंड वी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 20, दैट मीन्स ऑलमोस्ट दिस इज निकालोगे तो इसको बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि 4 से ज़्यादा आएगा, 4 4 या 16, तो इट इज 4.47 मीटर पर सेकंड। कई बार आपको बुक्स में ये मिलेगा दैट इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 4.5 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, एग्रीड। अब क्या होता है, अधिकतर बच्चे पहली चीज तो इस डेप्थ में जाते ही नहीं है, ठीक है ना, पेशेंस नहीं है इतना, ऑन बोथ द साइड्स, ऑन टू द साइड ऑफ टीचर्स एज वेल एज ऑन टू द साइड ऑफ स्टूडेंट। मैं ये बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूँ आपको, दैट्स वाई आप देखेंगे ना तो सक्सेस रेट 2-2.5% है,
सौ डेढ़ सौ बच्चों में से दो चार सेलेक्ट होते हैं, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। डेढ़ लाख बच्चा आता है कोटा में, उसमें से कितना सेलेक्ट होके जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो जो फेल्योर है वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे अच्छे नहीं थे, बच्चे तो सब अच्छे थे, वो नोट उनका इनसिंसियर हो गया था, मजे लेने लग गए थे वो जीवन के गलत समय पे, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा, अब पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं आपको कह सकता हूँ कि पढ़िएगा, पढ़ने से ही सब कुछ होगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस तरह की बात करने वाले आजकल बहुत कम टीचर जिंदा है। सबको ये पता है कि कुल मिला के बच्चे को वो बात करो जो उसको पसंद आती है, जहाँ काम चोरी नजर आती हो, जहाँ नजर आता हो कि यार मैं भी बेईमान, तू भी बेईमान और मेरा भारत महान, तो आप उसे अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। वहीं से कुछ और नहीं होता, आप खत्म हो जाते हैं, यू गेट फिनिश्ड आउट, है ना। तो बी केयरफुल, बी ऑन सीरियस नोट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहां नहीं छोड़ सकते। इस क्वेश्चन के बाद में एक बच्चा मुझसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। वो कहता है सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आप मुझे बताइए उस सॉल्यूशन में क्या गलती है, है ना। वो अच्छा बच्चा है और ये थॉट प्रोसेस जरूरी भी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। वो मुझे कहता है कि सर आई स्टडीड दैट एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और आप देखेंगे कि ये कई जगह पे लिखा हुआ भी है, तो वो ए इज इक्वल्स टू क्या करता है, एफ बाय एम कर देता है, और एफ को यहां से निकालता है वो, सर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपके सामने निकाल रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या बोलोगे, फोर का स्क्वायर, 16, एक बार लिख देते हैं फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, एग्रीड। और इसको यहां देख लीजिए, तो ये 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, तो आपका एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी रूट ऑफ 32, 16 इंटू 2, जिसे आप 4√2 कह सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स कितना है, इट इज 4√2 न्यूटन, डू यू एग्री विद मी। तो कहता है ठीक है सर, ये फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 4√2 डिवाइडेड बाय एम वन, इट इज ए, एंड ए इज इक्वल्स टू 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डू यू एग्री, है ना। अब वो कहता है सर मैंने पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यही पढ़ाया गया था, यू स्क्वायर प्लस 2s, बाकी टाइम तो हम मेजे बजा रहे थे आराम से, चीयर कर रहे थे, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी, 2 दी हुई है, इट इज 2 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर प्लस 2, ए कितना 4√2, एग्रीड, और एस बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे एस का मतलब ये रहा ए, ये रहा बी, ये 1-1 है सर और ये 0-0 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने बताया आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, इट विल बी एस इज इक्वल्स टू, अरे रूट ऑफ, बोलिए जल्दी से, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर, इसको कई बार डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं अपन, और 1 - 0 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी कमिंग एज √2, एग्रीड, ये लीजिए √2, एग्री। अब वो उठा के मुझे कहता है सर इट विल बी कमिंग एज 4, ये 4√2 था ए, एस कितना था √2, एग्रीड, तो कितना हो गया 4 × 2 = 8, एंड √2 × √2 = 2, एंड दिस इज 4 + 16, इट इज 20 सर, एंड इट इज वी स्क्वायर, सो वी इज इक्वल्स टू √20। यही आया था सर, व्हाट्स द मिस्टेक इन इट। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्या इसमें कुछ गलत है। तो मैं कहूंगा दैट इट इज टेक्निकली इनकरेक्ट, फंडामेंटली इनकरेक्ट। यहां फॉर्चुनेटली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0-0 से किधर की तरफ है, 1-1 की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका बनता है आई के प्लस जे के, और आपके पास में फोर्स वेक्टर बनता है, इट इज 4 आई के
प्लस 4 जेकेप, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप इसे लिख सकते हो, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आई के प्लस जे केप, है ना, और एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 आपने कॉमन लिया आई के प्लस जे केप, तो आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फॉर्चुनेटली सेम है, फॉर्चुनेटली सेम है, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट होता तो बहुत जबरदस्त और बहुत खतरनाक सी चीज पॉसिबल थी। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? क्या चीज पॉसिबल थी वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे उसको समझना है ये आपको ध्यान रखना है। बट दिस ए इक्वल्स टू एफ बाय एम, दिस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, दीज आर टेक्निकली इनकरेक्ट। यहां ये काम कर गया क्योंकि हमारे एफ वेक्टर और एस वेक्टर की वैल्यू की डायरेक्शन सिमिलर थी। यदि ये डायरेक्शन सिमिलर नहीं होती तो क्या होता? यस, वेट कीजिए उसके लिए, इससे नेक्स्ट वाले उसमें मैं आपके लिए वो चीज लेके आ रहा हूं। थैंक यू।